हम कौन है, हमारा वजूद, हमारी पहचान क्या है, हमारा उदय कैसे और कहाँ हुआ? आप हमारा उद्गम जानना चाहते हैं तो ऊपर आसमान की ओर देखिए, वह है सप्त ऋषि, वह सात महान ऋषि जो आसमान में तारे बनकर आज भी टिमटिमा रहे हैं। इनमें से कुछ ऋषि तो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। लोग कहते हैं इन सप्त ऋषियों से हमारे सात महियाल कुलों का उदय हुआ था। ये सात कुल है बाली, इनका उदय ऋषि पराशर से हुआ। कहते हैं ऋषि पराशर विष्णु पुराण के रचयिता थे। दूसरा कुल है भीमवाल, इनके गोत्रकार ऋषि थे अगस्त्य महामुनि। महर्षि अगस्त्य दक्षिण भारत की महान ऋषि प्रतिभा थे। तीसरा कुल है छिब्बर, इस कुल का उदय भृगु ऋषि से हुआ था। ज्योतिष के विख्यात ग्रंथ भृगु संहिता के रचयिता थे। इस वंश में कई महान ऋषि प्रतिभाओं का जन्म हुआ। इनमें प्रमुख थे रीचिका, जामदाग्नि और महान पराक्रमी ऋषि परशुराम, जिन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। हम लोग महियाल सप्त ऋषियों की संतान है, तो सात हैं तो ये हम लोग ब्रह्म ऋषियों की संतान माने जाते हैं। द्रोणाचार्य हमारे दत्ता जो आए हैं अश्वत्थामा जी बाद में, तो उनके वंशज हुए दत्ता। दत्ता इनके उद्गम स्तोत्र थे महर्षि भरद्वाज, जिनके महान पुत्र बाद में गुरु द्रोणाचार्य के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुए। द्रोणाचार्य का एकमात्र पुत्र था अश्वत्थामा, जो एक महान योद्धा था। दशरथ के गुरु थे गुरु वशिष्ठ, राजगुरु। जो वशिष्ठ हैं वो लौ हैं, उनके गोत्र ऋषि। गुरु वशिष्ठ ऋग्वेद के सातवें मंडल के मुख्य रचयिता थे। ये सूर्यवंशी कुल के कुलगुरु थे। मोहन इनके पितामह थे जगत प्रसिद्ध ऋषि कश्यप। कश्यप ऋषि ने सतीसार की विशाल झील खाली कर कश्मीर की घाटी का निर्माण किया था। और आखिरी कुल है वैद्य, इनका उदय आयुर्वेद के संस्थापक ऋषि धन्वंतरी से हुआ था। यह तो थी पौराणिक गाथाएं, इतिहास हमारे बारे में क्या कहता है? तो आइए एक नजर डालें इतिहास के पन्नों पर, जहां महियालों के गौरवशाली अतीत की दास्तान दर्ज की गई है। हम महियाल सरस्वत ब्राह्मण है। ऋग्वेद में प्राचीन सरस्वती नदी का वर्णन है। कहते हैं एक समय ये सरस्वती भारत की सबसे विशाल और पावन नदी कहलाई जाती थी। वह हिमालय पर्वत से अरब सागर तक बहती थी। इसका 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा पाट था, लेकिन एक भयंकर भूकंप आया। यमुना और सतलुज नदियां इससे अलग हो गई। यह नदी पूर्णतः सूखकर लुप्त हो गई। हैरत की बात तो यह है कि आज 20वीं सदी में सैटेलाइट से हमें इस नदी की तस्वीरें मिली हैं। एक बार सरस्वती नदी को नक्शे पे ध्यान से देखिए तो आप हमारे महियाल ब्राह्मणों के इतिहास को अच्छी तरह समझ पाएंगे। उत्तर से दक्षिण तक सरस्वती हमारी सीमाओं के मतवाजी बहती है। इसका मतलब भारत पर हमला करने वाला हर एक आक्रमणकारी उन्हें लांग कर ही भारत में प्रवेश कर सकता था। इन महियाल ब्राह्मणों का भूगोल ही उनका भाग्य बन गया। हर हमलावर का उन्हें सामना करना पड़ा। हर युग में, हर सदी में आक्रमण हुए और उन्होंने शस्त्र उठाकर घोर संघर्ष किया। महियाल हमारे सीमांत प्रदेशों के रक्षक बन गए। चाहे हमला खैबर या बोलान दर्रे से हुआ या हमलावर सिंध के रास्ते आए, उनके मार्ग में रास्ता रोके खड़ी थी महियालों की सेनाएं।
वैदिक काल में हम देखते हैं कि ब्राह्मण शांत स्वभाव के होते थे, केवल पूजा पाठ करते थे, पुरोहितों का काम करते थे और भिक्षा पर जीते। यकायक एक भारी परिवर्तन हुआ। रामायण काल से पहले भारत में एक अत्यंत क्रूर सम्राट हुआ, उसका नाम था कृत्यवीर अर्जुन। उसके आतंक से ये पृथ्वी कांप उठी। ऋषि परशुराम ने इस क्रूर राजा के अत्याचारों के विरोध में और अपने पिता जामदग्नि की हत्या के इंतकाम के लिए विद्रोह कर दिया। वह पहले ब्राह्मण थे जिन्होंने शस्त्र उठाए। परशुराम ने ब्राह्मणों की सेना खड़ी करी और कृत्यवीर अर्जुन पर हमला बोल दिया। उन्होंने 21 बड़े अभियान चलाए और कृत्यवीर अर्जुन और उसके समस्त वंशजों को मौत के घाट उतार दिया। उसके पूर्ण साम्राज्य पर अब परशुराम का कब्जा हुआ और उन्होंने सारी जमीनें अपने ब्राह्मण योद्धाओं में बांट दी। और उस समय से वही आल ब्राह्मण भूपति यानी भूमि के स्वामी हुए। भारत वर्ष पर विदेशी आक्रमणों का सिलसिला ईसा पूर्व 3री सदी में शुरू हुआ। यवन सम्राट सिकंदर ने ईसा पूर्व 327 ईस्वी में भारत पर भीषण आक्रमण किया। उसके पास 120,000 पैदल फौज और 40,000 घुड़सवार योद्धा थे। उसका मुकाबला छोटे छोटे राजवाड़े और गणराज्य कर रहे थे जो कि आपस में कलह और फूट का शिकार थे। सिकंदर का डटकर मुकाबला किया तो एक महियाल राजा ने, उसका नाम था पोरस या पौरव। लेकिन पौरव के 200 हाथियों ने यवन सेना के छक्के छुड़ा दिए। हालांकि पोरस युद्ध हार गया, सिकंदर उसके साहस और स्वाभिमान को देखकर दंग रह गया। यवन सेना की इस लड़ाई के बाद तो बस ही हो गई और उन्होंने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। हार कर सिकंदर को सिंधु नदी के रास्ते वापस घर लौटना पड़ा। इसी दौरान उसकी टक्कर मुल्तान के बाली राजाओं की मोहियाल सेना से हुई। ये सिकंदर के जीवन का सबसे भीषण युद्ध था। उसके कई आला जर्नैल मारे गए। सिकंदर खुद 1 मीटर लंबे तीर से बुरी तरह घायल हो गया। उसके गुस्साए सिपाहियों ने मुल्तान शहर में भीषण कत्लेआम शुरू किया। ये क्या कर रहे हो, वह चिल्लाया, ये तो हैरत अंदेज योद्धा है, इन्हें साथ ले चलो। इसी तरह से बाली और दत्त मोहियाल योद्धा सिकंदर के साथ अलेक्जेंड्रिया तक गए। ये मोहियाल इराक में जाकर बस गए। सन 698 में अरबों ने अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर भीषण हमला किया। उसका डटकर मुकाबला किया काबुल के मुहियाल शाही राजघराने ने। दुनिया में पहली बार अरब फौजों को करारी हार का सामना कर पीछे हटना पड़ा। 300 सालों तक इन शाही राजाओं ने अरबों का रास्ता रोक कर रखा। सन 680 में मुहियाल योद्धा राहब दत्त ने करबला के युद्ध में हिस्सा लिया था। सर्वधर्म संभा, कहीं नहीं मिलेगा मुहियालों में मिलेगा, सांप्रदायिकता से ऊपर उठे हुए मुहियाल मिलेंगे आप। करबला के युद्ध में राहब दत्त ने अपने सातों बेटे इमाम हुसैन के भांजे शाह हसन और हुसैन पर कुर्बान कर दिए उनको बचाने के लिए। सालिम सुल्तान याजीद ने जब मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन को करबला में घेर लिया तो उन्होंने इंसानियत के नाम पर पैगाम दिया था, है कोई जो मेरी मदद को आए। बगदाद में बसे मुहियाल राहब दत्त और उनके मुट्ठी भर सिपाही मैदान में उतरे। पैगंबर के वंशज इमाम हुसैन को बचाने के लिए राहब दत्त ने
अपने 7 बेटे कुर्बान कर दिए। आज भी वहां के लोग दत्तों की बहुत इज्जत करते हैं, कहते हैं वाह दत्त सुल्तान, हिंदू का धर्म मुसलमान का ईमान। जिस मैदान में वो लड़े आज भी उसे हिंदिया या दरियाए हिंद कहा जाता है। अगले साल कूफा के किले पर कब्जा कर मुहियालों ने इमाम हुसैन की शहादत का बदला लिया। इसके बाद मजबूरन उन्हें भारत वापस आना पड़ा। साहब दत्त वहाँ से वापिस जब भारत लौटे तो अफगानिस्तान के पास पता चला कि एक ऐसा आ रहा है वहाँ से हिंदू ब्राह्मण जिसने उनका साथ दिया, तो उनका स्वागत किया गया अफगानिस्तान, तो वहाँ पर उनको उपाधि दी हुसैनी ब्राह्मण कहा गया। तो जितने शिया मुसलमान हैं आज मोहियालों की बहुत इज्जत करते हैं। अफगानिस्तान में मार खाकर सन 712 से अरबों ने सिंध प्रांत पर हमलों की झड़ी लगा दी। उस वक्त सिंध प्रांत का शासक एक मोहियाल राजा था, राजा दाहिर। उसके पूर्वज छिब्बर थे और उन्होंने सिंध के राज्य को कश्मीर तक फैला दिया था। लेकिन आपसी फूट और बौद्धों के विद्रोह के कारण दाहिर की हार हुई और इस प्रकार सिंध पर अरबों का कब्जा हो गया। 8वीं से 10वीं सदी तक काबुल में एक दत्त राजा और पंजाब में एक वैद्य मोहियाल ब्राह्मण राजवंश का शासन था। 200 वर्ष उन्होंने हमलावरों का सामना किया और क्षेत्र में शांति कायम रखी। परंतु भारत वर्ष पर तो अब चारों ओर से लगातार हमले शुरू हो गए। मोहम्मद गौरी और गजनवी के आक्रमण शुरू हुए। इनका सामना भी सीमांत प्रदेश के मोहियाल राजाओं ने किया, परंतु आपसी फूट के कारण ये छोटे राजवाड़े इकट्ठे होकर हमलावरों का सामना नहीं कर पाए और भारतवर्ष गुलाम हो गया। मुगल बादशाह अकबर एक अच्छा शासक सिद्ध हुआ। उसने कट्टर पंथ को छोड़कर हिंदुओं को साथ रखकर एक समृद्ध मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। हिंदुओं को अपने दरबार और अपनी फौज में उसने ऊंचे ओहदे दिए। मोहियाल योद्धाओं को मुगल सेना में बख्शी, चौधरी, रायजादा, मेहता, दीवान आदि के खिताब मिले। जो वॉरियर थे, जो योद्धा थे, उनको बख्शी की उपाधि मुगल काल में दी गई। जो अकाउंट्स का हिसाब बड़ा अच्छा रखते थे उनको मेहता की उपाधि दी गई। रायजादा की उपाधि अंग्रेजों के समय में दी गई, दीवान रायजादा वगैरह। लेकिन औरंगजेब ने अकबर की उदार नीतियों को खत्म कर भीषण अत्याचार शुरू कर दिया। उस वक्त इस देश में 3 शक्तियां उठी जिन्होंने विद्रोह कर मुगल साम्राज्य को तबाह कर दिया। ये थे पंजाब के सिख जो गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में लड़े, महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज और असम के लचित बोरफुकान। सिखों की ताकत के उदय में मोहियाल ब्राह्मणों ने अभूतपूर्व योगदान दिया। बाबा परागा, इन्हें मोहियालों का भीष्म पितामह कहा जाता है। प्रज्ञा सेन यानी बाबा परागा का जन्म छिब्बरों के यरूशलम करियाला में हुआ था। वह छोटी उम्र से ही सदगुरु नानक के शिष्य बन गए थे। सतगुरु नानक जी के परलोक सिधारने के बाद वे अगले 5 सिख गुरुओं के साथ रहे। सन 1638 में शाहजहां ने सिखों का सफाया करने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू किया। तब बाबा परागा 131 वर्ष के थे। गुरु हरगोविंद ने इन्हें युद्ध के लिए शस्त्र उठाने की आज्ञा दी। बैंदा खान पठान की सेना के साथ इनका भीषण युद्ध हुआ। बैंदा खान मारा गया और बाबा परागा बुरी तरह घायल हुए। भाई मतीदास, बाबा परागा के बाद उनके पुत्र गुरुओं की सेवा में जुटे रहे। 9वें गुरु श्री तेग बहादुर ने भाई मतीदास छिब्बर को अपना प्रधानमंत्री यानी दीवान बनाया। उस समय औरंगजेब का अत्याचार
अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था। कश्मीर के आतंकित ब्राह्मण गुरु तेग बहादुर जी की शरण में आए गुरु महाराज ने औरंगजेब से कहा, पहले मुझे इस्लाम कबूल करवाए, फिर इन कश्मीरियों को। औरंगजेब आग बबूला हो गया। गुरु और उनके शिष्यों को गिरफ्तार कर उसने भयानक यातनाएं दी, पर उन्होंने धर्म परिवर्तन से साफ इनकार कर दिया। 9 नवंबर 1675 को भाई मतीदास को चांदनी चौक में उनको आरे से चीरा गया। आखिरी सांस तक वह हंसते रहे जब जी साहब का पाठ करते हुए उन्होंने प्राण त्यागे। इतना बड़ा धर्म के लिए जो बलिदान है वो किसी ने आज तक दिया नहीं। उनके भाई सतीदास को जलाकर शहीद किया गया और छोटे भाई को गर्म तवे पर जलती रेत से मारा गया। ऐसी भयावह करतूतों के कारण मुगल साम्राज्य ज्यादा देर टिक नहीं सका और तबाह हो गया। इन साहसी मोहियाल वीरों ने इतनी क्रूर यत्नाओं के बाद भी सर नहीं झुकाया, मगर सोते हुए भारत का जमीर जगा गए। बंदा वीर बैरागी, इनका जन्म 1670 में पुंच जिले के बेढर नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम था लक्ष्मण देव, परंतु गुरु गोविंद सिंह जी ने इन्हें बंदा बहादुर का खिताब दिया। इन्होंने अंबाला, सहारनपुर, देवबंद और लाहौर तक पर कब्जा कर लिया। सरहिंद के मुगल गवर्नर वजीर खान ने गुरु महाराज के बेटों की निर्ममता से हत्या की थी। बंदा बहादुर ने 1710 में उसे पराजित कर हाथी के पांव तले रौंदवा दिया। बंदा बहादुर ने पानीपत और करनाल शहरों को ध्वंस कर दिया। उसने पूरे पंजाब का नक्शा ही बदल दिया। घबरा कर मुगलों ने उनके खिलाफ 60,000 की सेना इकट्ठा करी और भारी युद्ध छेड़ दिया। भीषण युद्ध में बंदा बहादुर पराजित हो गए। निहायत ही बेदर्दी से उनका कत्ल किया गया और बड़ा पुल के निकट इनका दाह संस्कार किया गया। बंदा बैरागी एक अभूतपूर्व योद्धा थे जिन्होंने मुगल शासन की नींव को झिंझोड़ कर रख दिया था। केवल 50 और वर्षों में सिखों ने मुगल साम्राज्य को पूर्ण रूप से उखाड़ फेंका और महाराजा रणजीत सिंह अब पंजाब और उत्तर भारत के शासक बने। पंजाब की सरजमी से उन्होंने मुगलों और पठानों का सफाया कर दिया। फिर आगे बढ़कर उन्होंने अफगानिस्तान पर हमला किया। उनके जनरल हरि सिंह नलवा एक महान योद्धा थे जिनसे पठान थर थर कांपते थे। उनकी शहादत के बाद एक भयाल जनरल महान सिंह बाली ने अफगानिस्तान में सिख फौजों की कमान संभाली। महाराजा रणजीत सिंह की सेना में कई मशहूर मोहियाल योद्धा थे। सिख फौज के 5 बड़े कमांडर मोहियाल थे। कुल 21 मोहियाल सिख साम्राज्य में गवर्नर यानी करदार नियुक्त किए गए। ये महाराजा रणजीत सिंह को एक हिंदुस्तान का नक्शा किसी ने दिखाया तो कुछ एरिया जो थे रेड कलर में करा हुआ था, तो महाराजा ने पूछा कि ये लाल निशान क्या है। उनका ये इलाका जो है ये अंग्रेजों का इलाका है, तो महाराजा ने कहा सब लाल हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष पर ब्रितानवी साम्राज्य फैल गया। इस साम्राज्य में मोहियालों को मार्शल कास्ट यानी लड़ाका जाति और किसान घोषित कर भारतीय फौज में भर्ती किया गया। अंग्रेज इतिहासकार रसल ट्रेसी के मुताबिक ज्यादातर मोहियाल घुड़सवार फौज में यानी लांसर्स, कैवलरी और गाइड्स रेजिमेंट में तैनात थे। मोहियाल 112 इन्फेंट्री, 124 पंजाबीज और J&K स्टेट फोर्सेस में बड़ी मात्रा में तैनात थे। 1911 तक ट्रेसी के मुताबिक 45 अफसर JCO भारतीय सेना में मोहियाल थे और इनको 22 अवार्ड्स मिले, जिसमें 10 ऑर्डर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 3 ऑर्डर्स ऑफ मेरिट और 9 ऑर्डर्स ऑफ मेरिट क्लास 3 थे। हजारों मोहियालों ने इन जंगों में हिस्सा लिया।
भयाल अब तो खाने में भी भर्ती हुए जो पहले केवल अंग्रेज चलाते थे। फ्रांस, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, इटली और बर्मा आदि के अभियानों में भयालों ने सक्रिय हिस्सा लिया। आर्य समाज। भयालों ने आर्य समाज के उदय में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी विरजानंद सरस्वती स्वयं एक भयाल थे। तो स्वामी दयानंद उस जमाने में आए, ये गुजरात में पैदा हुए थे। जो गुरु था स्वामी विरजानंद वो भयाल था, ही वाज इन मथुरा। तो इन्होंने वेदों की जो एजुकेशन है मथुरा में पाई। 1875 में इन्होंने पहली आर्य समाज बॉम्बे में बनाई, लेकिन क्योंकि भयालों के साथ कॉन्टेक्ट था विरजानंद की वजह से, तो वो बाद में नॉर्दर्न इंडिया में 1876 से लेकर 1883 तक वो नॉर्दर्न इंडिया में रहे, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में। पंजाब में स्वामी दयानंद मेहता हरिचंद छिब्बर के न्योते पर आए थे। मेहता लेखराम भीमवाल आर्य गैजेट के संपादक रहे। डीएवी कॉलेजेस की स्थापना में भयालों का भूतपूर्व योगदान था। जो मेजर डिसीजन घर के फैमिली के होते थे वो औरतें करती थी। लाहौर में हमारी भयाल मित्र सभा बनी तो स्त्री भयाल सभा भी वहाँ पे बनी। एक मजिस्ट्रेट थी जिसका नाम था माई कर्मो दत्त थी, वो तो शिवा दी मजिस्ट्रेट इन दी कोर्ट ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, क्रिमिनल केसेस जो है उसका फैसला करते। गली का नाम पूजा माई कर्मो रखा गया, आजकल भी माई कर्मो है। कांग्रेस के उदय और स्वतंत्रता संग्राम में भयालों का एक बार फिर अभूतपूर्व योगदान रहा। इनमें सबसे मशहूर थे भाई परमानंद, जिन्हें काला पानी में आजीवन कारावास दिया गया था। भाई बाल मुकुंद को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। भाई परमानंद जी क्रांतिकारी थे, लाहौर षड्यंत्र केस में उनको फांसी की सजा हुई। बाद में जिसको दीनबंधु एंड्रयूज हुए उनकी रिकमेंडेशन और वगैरह से काले पानी की सजा में कन्वर्ट। जो भाई परमानंद थे लाहौर नेशनल कॉलेज में प्रोफेसर थे और भगत सिंह उनके स्टूडेंट थे। जो सैंडर्स को मारा था भगत सिंह ने शरण लाहौर आश्रम के हमारे मयाल आश्रम में लिखा। भाई परमानंद का ये योगदान है कि उन्होंने इन पीढ़ियों को तैयार किया। बहुत सारे भयालों ने गदर पार्टी के विद्रोह में हिस्सा लिया था। इनमें चौधरी राम सिंह दत्ता का बहुत महत्वपूर्ण किरदार था। श्रीमती सरला देवी ने वंदे मातरम को पहली बार संगीत में तर्ज कर गाया था। आजाद हिंद फौज। 30 भयाल अफसर नेताजी की आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे और उन्होंने बर्मा, मलेया और सिंगापुर की लड़ाइयों में सक्रिय हिस्सा लिया था। इनमें दो मेजर भाई मदन गोपाल और बख्शी दलीप चंद दत्त 10 कप्तान और 9 लेफ्टिनेंट थे। कैप्टन एम.एल. मेहता नेताजी को जिंदा देखने वाले आखिरी अफसर थे। विल इंडिया अटेन हर फ्रीडम, इनकलाब जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। एक तरफ जो खून है, जो ब्लड है, उसमें योद्धाओं का अंश है और एक तरह से ब्राह्मणों का, विद्वानों का अंश है। अब देखेंगे जो मलयालम को स्कॉलर मिले, वॉरियर मिलेंगे, स्पष्टवादी मिलेंगे, सत्यवादी मिलेंगे। मलयालम आर सपोज्ड टू बी ए मार्शल रेस। प्रोफेशंस फॉर मलयालम आर ऑलवेज बीन आइदर दे एग्रीकल्चरलिस्ट्स or they went into the army or the police. They were preferred. But now, times have changed. Now they are going into all professions. आज हमारे देश में एक केवल 6 से 7 लाख की बिरादरी से बहुत ही प्रतिभाशाली भयाल उभर कर आए हैं। हर क्षेत्र में हमारा अभूतपूर्व योगदान रहा है। कुछ जानी मानी भयाल हस्तियां इस प्रकार हैं। गवर्नर्स, राष्ट्रपति के बाद गवर्नर्स का सबसे ऊंचा ओहदा माना जाता है। गौरव की बात यह है कि 3 भयाल गवर्नर्स बन चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर एस.के. छिब्बर,
लेफ्टिनेंट गवर्नर मिजोरम, लेफ्टिनेंट जनरल बी के एन छिब्बर गवर्नर पंजाब, डॉक्टर भाई महावीर गवर्नर मध्य प्रदेश। आधुनिक युग में भी मुहियालों की साहस और बलिदान की परंपरा कायम है। सेकंड लेफ्टिनेंट पुनीत दत्त को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, जो कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। इसके अलावा चार मुहियाल महावीर चक्र प्राप्त कर चुके हैं। सेना के उच्च अधिकारी आर्मी कमांडर के दर्जे तक 6 मुहियाल पहुंच चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कुलवंत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर एम एल छिब्बर, लेफ्टिनेंट जनरल एच सी दत्ता, लेफ्टिनेंट जनरल पी के बख्शी, एयर मार्शल बी एम बाली, एयर मार्शल एस डी मोहन। मुहियाल अपना कुशल नेतृत्व दिखाते हुए सशस्त्र सेनाओं में उच्च पदाधिकारी बने हैं। सिनेमा में सुनील और नरगिस दत्त, ओम प्रकाश, संजय दत्त, नारा दत्त और आनंद बख्शी विख्यात हैं। मेडिसिन में डॉक्टर बलदेव सिंह वैद पद्म भूषण और डॉक्टर आर के वाली पद्मश्री। साइंस एंड टेक्नोलॉजी राकेश बख्शी साइंटिस्ट पद्मश्री, श्री कृष्णदेव वाली इंजीनियर पद्मश्री। इंडस्ट्री मेहता कर्नल वी आर मोहन पद्म भूषण और मेहता एन एन मोहन पद्मश्री। मुहियाल एकजुट होकर आज अपने गौरवशाली भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहे हैं। मुहियाल विभिन्न क्षेत्रों में अपना जौहर दिखा चुके हैं और नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं। इस देश के पुनर्निर्माण और इसे ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य हम मुहियालों की मैनिफेस्ट डेस्टिनी है। तो ये था मुहियाल शूरवीरों का गौरवशाली इतिहास, जिन्होंने अलेक्जेंडर की ग्रीक फौजों से टक्कर ली। वो कौन थे? वीर मुहियाल, जिन्होंने दुनिया को जीतने वाली अरब फौजों को हिंदू कुश के पहाड़ों में शिकस्त दी। वो कौन थे? वीर मुहियाल, जिन्होंने मोहम्मद गौरी और गजनवी की फौजों से टक्कर ली, जिन्होंने आजाद भारत की हर जंग में इतना पराक्रम दिखाया। वो कौन थे? वीर मुहियाल। ये उन वीर मुहियालों की अमर गाथा है।